हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपके घर के किचन में यदि आपको मेरे चैनल में मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स जो कि बिल्कुल फ्री है बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए आइए चलते हैं रेसिपी बना हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी की कुछ स्वादिष्ट से रेसिपी जो कि आप देख पा रहे हो कि कितने ही सुंदर से एक स्वादिष्ट से लड्डू है सबसे पहले हमें क्या करना है जो भी हाँ, हमारे कई बार हम एक्स्ट्रा रोटी बनाते हैं वो बच जाती है या फिर हमें कई बार आ, वैसे भी बच जाती है आप इनका एक बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बना सकते हो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें अपनी रोटी को लेना होगा चाहे वो ताजी रोटी हो या फिर आपकी लेफ्ट ओवर रोटी बची हुई रोटी हो रात की बची हुई हो या सुबह की बची हुई हो कैसे भी ज़्यादा बासी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स ओनली ट्वें, ट्वें ट्वेल्व आवर जैसे कि हमने रात को बनाई है वो बच के है, वो उसको हम सुबह यूज़ कर सकते हैं बस इतना ही काफ़ी बासी रोटी खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है इन रो रोटी को यहाँ पर हमने चार रोटी लिए उनको छोट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है छोट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इनको इनको हम एक मिक्सी जार में डालकर इसका एक, एक हाँ फ़ाइन सा फाइन भी नहीं कोर्स कोर्स पीस लेंगे हम इनको आ, ये हमने अपना मिक्सर लिया इसमें हमें इसको कोर्स पीस लेंगे फ्रेंड्स ये क्या होता है कि बासी रोटी खाने से फ्रेंड्स डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्या होता है कि यदि हम बासी रोटी डायबिटीज़ के मरीजों को दें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमने देखो ये फ्रेंड्स यहाँ पर मिक्सी की हेल्प से पीस कर इसको कोर्स पीस लिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कटोरी हमारा ये मिक्सर बन के तैयार इसमें हमें वन फोर्थ मतलब हमें सिर्फ हा आधी कटोरी से भी कम अपना शुगर पाउडर लेना है चाहे आप शुगर पाउडर लो या फिर जैगरी पाउडर लो मैंने यहाँ पर आ, जैगरी पाउडर लिया जिसको हम शक्कर भी बोलते हैं या गुड़ का जो पिसा हुआ आप यहाँ पे गुड़ पिसा हुआ गुड़ भी ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो या तीन चम्मच दे अपने देसी घी के लिए आप फ्रेंड्स जब हमने पिसा यदि आपके पास मतलब शक्कर नहीं है पिसा हुआ गुड़ नहीं है तो आप क्या करें जब आप इसको मिक्सी में पीस रहे हो उसी टाइम पर आप आप गुड़ को एक गुड़ को लो टेस्ट के मुताबिक गुड़ को आप मिक्सी में ही डाल दीजिए और उसको चला दीजिए उसी टाइम पर वो पीस जाएगा मेरे पास शक्कर थी तो मैंने मैं आपके हिसाब से शक्कर डाली एकदम परफेक्ट इसका रेसो आएगा फ्रेंड्स और आप लड्डू बांध के देख लीजिए यदि आपको फिर भी आपको ऐसा लगता है कि लड्डू नहीं बन रहे आप थोड़ा सा घी डाल लीजिए वन टू स्पून तो लड्डू जरूर से अच्छे से बन जाएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स एक एडिशन और कर सकते हैं आप यदि आपके घर में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं बच्चे खाते हैं बड़े खाते हैं वैसे बच्चों को बच्चों के रेसिपी बहुत पसंद आती है क्योंकि बच्चे नॉर्मली ऐसे गुड़ शक्कर नहीं खाते हैं बट यदि आप इसको ऐसे बना के दोगे लड्डू के फॉर्म में तो वो खाएंगे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जब आप पीस रहे थे इतना रोटी पीसे तो उसी टाइम पर आप उसमें कुछ काजू बादाम डाल के पीस सकते हो फ्रेंड्स बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और लड्डू हेल्दी भी बन जाएंगे देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू बन बन रहे हैं आपको बिल्कुल आसानी से ऐसे करोगे गोल गोल घुमाओगे हाथों को लड्डू बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा हमें झटपट से लड्डू विद इन फाइव फाइव मिनट्स हम ये लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं और ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं इतने नरम होते हैं फ्रेंड्स उसका तो कोई जवाब ही नहीं है आप सबसे बुरी बात आप ऐसा करके इन लड्डुओं को हम हाँ, आप सफ़र में भी ले जा सकते हो इससे क्या होगा बच्चों की छोटी छोटी भूख भी ख़त्म हो जाएगी आप लोगों की भी हो जाएगी और साथ में इतना टेस्टी हेल्दी किसमें देसी घी है शक्का है और हमारी रोटी है उसका कॉम्बिनेशन भी हो पेट भी फुल रहेगा तो फ्रेंड्स आप आगे से कभी भी बासी रोटी या फिर ताजी रोटी को भी आप ये बना सकते हैं उसको मत फेंकना उसको किसी यूज़ में ज़रूर लेना जैसे मैंने आपको लड्डू बना के दिखाए ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये वाले लड्डू आप एक बार खाइए और बनाइए और खाइए तो आपको सच में ऐसे मिक्सी में करने के बाद यूज़ करोगे ना ये लड्डू बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं वैसे पहले व पुराने टाइम में क्या होता था कि छोटी छोटी बुगली तोड़ लेते छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे उसमें शक्कर या गुड़ डालते थे देसी घी डालते थे उसको हम हमारे यहाँ पर चूरी बोला जाता है तो वो भी बनाते थे ये उसका ही एक ट्रांसफॉर्म है कि आप उसको मिक्सी में डाल के तो क्योंकि आजकल वो ट्रेंड तो चला ही गया है कि बुगली बुगली कम ही खाना पसंद करते हैं बच्चे उनको तो बिल्कुल स्मूथ स्मूथ चीज़ें पसंद आती हैं आप ऐसे अपने बच्चों को बना के खिलाएँ फ्रेंड्स ये ज़बरदस्त लड्डू उनको बिल्कुल पसंद आएंगे एकदम से देखिए फ्रेंड्स क्या ज़बरदस्त लड्डू बन के तैयार हुए हैं कोई बोल नहीं सकता कि ये आपके लेफ्ट ओवर रोटी से बने हुए ये रोटी से बनाए हुए लड्डू लड्डू और खाने में तो ये इतने टेस्टी हैं कोई जवाब ही नहीं है आप मेरे कहने से एक बार इसे बनाएं और खाइए फ्रेंड्स मैं आपको आगे तोड़ के भी दिखाऊंगी कितने नो सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल नरम होते हैं देखिए फ्रेंड्स ये कितने सॉफ्ट हैं हल्के से टूट जाते हैं और इत खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब